हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। फॉरेस्ट सोसाइटी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक 3 इनकम्प्लीट रह गया था इलेक्ट्रिसिटी के कारण, थोड़ा सा मैं कर नहीं पाई थी। नाउ द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स। आप देखिए, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे रिवोल्ट, गाँव के लोगों ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया मैसेजेस के लिए, कैसे मैंगोवाओ एंड रेड चिली को एक से बनाया उन्होंने एक तरीके के मैसेज के लिए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ट्रूप्स भेजे रिबेल को सप्रेस करने के लिए। आदिवासी लीडर्स ने दे ट्राई टू नेगोशिएट, बट ब्रिटिश ने उनके सारे कैंप्स में आग लगा दी। एंड आफ्टर दे मार्च थ्रू द विलेजेस फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज, और उन्होंने ऐसे जैसे कहते हैं ना, मतलब एकदम तहलका मचा दिया था उन्होंने। विलेज गांव का राउंड लगाया, जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उन सबको पनिश किया। मोस्ट विलेजेस वर डेजर्टेड, लोग जो है वो जंगल में भाग गए। एंड 3 मंथ्स लगे ब्रिटिशर्स को, पूरा कंट्रोल उन्होंने ले लिया। हाउएवर देखिए, वही ब्रिटिशर्स आज अगर आप देख रहे हो न्यूज, उनके यहाँ पे बहुत बड़ी, मतलब समय अपना टाइम तो लेता ही है। यू मे बी थिंकिंग कि आई एम साउंडिंग लिटिल फिलोसफिकल, या पर समय का कालचक्र देखिए घूमता है। जिन लोगों ने हमारे ऊपर 200 साल रूल किया था, आज देखिए उनकी इकोनॉमी की कंडीशन इतनी खराब हो रही है कि वहां पे लोगों को अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरने में प्रॉब्लम हो रही है, फूड की प्रॉब्लम हो रही है वहां पर, और कोविड के बाद वो अभी रिकवर नहीं कर पाए हैं। जबकि हमारा देश जो है वो, उनकी जीडीपी हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा होते हुए भी जीडीपी अच्छी है, उनसे बेटर है। नाउ दे नेवर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दे नेवर मैनेज टू कैप्चर, लेकिन गुंडाधुर जो रिबेलियन लीडर था उसको कभी भी वो कैप्चर नहीं कर पाए। एक तरीके से इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबेल, वर्क जो है रिजर्वेशन पे टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया गया, और एरिया जो रिजर्व एरिया था वो रिड्यूस कर दिया गया 50% जो पहले उन्होंने प्लान किया था। मतलब ये, इसको आप अचीवमेंट कहेंगे जो हाउएवर के बाद है, ये अचीवमेंट है किसकी, ये अचीवमेंट है फॉरेस्ट के लोगों की। स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट एंड द पीपल ऑफ बस्तर इधर ही खत्म नहीं होती। इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट कॉन्टिन्यू रही। 1970 में वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया 4,600 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल साल शुड बी रिप्लेस बाय ट्रॉपिकल पाइन, और इट वाज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल एनवायरनमेंट्स कि ये एक वर्ल्ड बैंक की इस प्रपोजल को ठुकराया गया, जब एनवायरनमेंटलिस्ट ने इसके बारे में अपोज किया। तो यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एशिया में, इंडोनेशिया में, कि वहां पे क्या हो रहा था इसी पीरियड में, व्हाट वाज हैपनिंग देयर एक्चुअली। तो जावा की बात कर रहे हैं, बस्तर और जावा में 90% बेटे चॉइस आती है। अगर आपके पेपर हो गए हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर जो अब आने वाली क्लास है, और अदरवाइज वैसे मैं बता रही हूँ 99% चॉइस आती है। जावा का इंट्रोडक्शन है, ये फेमस राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है। कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वो डच थे, और जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे ना, डच थे, तो ये सब यूरोपियंस हैं, ये सब यूरोपियंस हैं ये। एंड आप देखिए, अपने देश में कुछ हो जाए तो ये परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इंडिया में कुछ हो तो उसके लिए आवाज उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो खैर, मेनी सिमिलैरिटीज हैं लॉज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल इंडिया और इंडोनेशिया की। जावा जो है इंडोनेशिया में, जहाँ पे डच ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करी थी, लाइक ब्रिटिशर्स दे आल्सो वांटेड, वो भी टिम्बर चाहते थे जावा से। 1600 में पॉपुलेशन जो है वहाँ की 3.54 मिलियन थी। कई विलेजेस फर्टाइल प्लेन था यहाँ पे, बट देयर वर आल्सो कम्युनिटीज जो माउंटेन में भी रहती थी। यहाँ पे जावा की बात कर रही हूँ मैं, वुड कटर जावा के। अब ये कालंग्स वुड कटर थे जावा के, और स्किल वुड कटर थे, मतलब जिन्हें पूरी प्रैक्टिस थी। स्किल वुड कटर्स का ये मतलब है जिन्हें पूरा आता था वुड काटना, और देवर सो वैल्यूएबल दैट इन 1755, जब ये माताराम किंगडम जावा का था, स्प्लिट हुआ था, 6,000 कलंग फैमिलीज जो थी
ये दो किंगडम में डिवाइड हो गई थी, मतलब दोनों ही उनको लेना चाह रहे थे। ये इतने मंझे हुए वुड कटर थे, इन्हें पता था कि वुड को कैसे काटना है। उनकी एक्सपर्टीज के बगैर यहाँ पे टीक को हार्वेस्ट करना, राजाओं के लिए अपने पैलेसेस बनाना, वो बहुत मुश्किल था। जब डच ने कंट्रोल किया तो फॉरेस्ट इन द 18th सेंचुरी दे ट्राई टू मेक कलंग, उनको फोर्स किया, पर कलंग ने रेजिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोना और अपराइजिंग जो है ये पर ये सप्रेस कर दी। कॉलोनाइजर्स यही करते थे, लोग ऐसा नहीं है रिवोल्ट करते नहीं थे, पर वो इसको सप्रेस कर दिए जाते थे क्योंकि गरीब भी थे, इनके पास पैसा था, पावर थी, ये दोनों चीजें इनके पास थी। डच साइंटिफिक फॉर, अलग से शॉर्ट नोट आता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 19th सेंचुरी में वेर इट बिकेम इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपल, डच ने फॉरेस्ट लॉज इनेक्ट किए, रिस्ट्रिक्ट किया गांव के लोगों को कि वो फॉरेस्ट को नहीं यूज कर सकते। नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, केवल कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही वुड को काटा जा सकता है, ये उन्होंने रूल बनाया। विलेजर्स पनिश किया गया उनको कि वो अगर कैटल को ग्रेस करेंगे, एंड वर पनिश फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उनको गांव, उनको पनिश किया जाएगा, ये उन्होंने रूल बनाया। अब वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पज, जैसे उन्होंने रूल बनाया कि भी रिवर बोर्ड्स बनेंगे या हाउसेस बनेंगे, और स्पेसिफिक फॉरेस्ट जो है वो उनके सुपरविजन में रहेंगी। गांव के लोगों को अगर उन्होंने यूज किया या उनको अपने मतलब गाय भैंस चराए तो उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। आप ये देखिए, उन्हीं के फॉरेस्ट, उन्हीं का देश, कॉलोनाइजर्स की हिमाकत हमेशा देखिए कि कितनी ज्यादा होती है, कि देश भी हमारा और जगह भी हमारी, तब भी इतना ज्यादा हमारे ऊपर अत्याचार। अब इन 1882 280,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए गए थे जावा से, और इन सब के लिए क्या रिक्वायर्ड था, लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट करना, प्रिपेयर करना स्लीपर। डच सबसे पहले तो उन्होंने इम्पोज किए रेंट लैंड पे, एंड देन एग्जेम्प्ट किया गांव के लोगों को फ्रॉम दीज रेंट इफ दे वर्क कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर। बफेलोस को फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर, दिस वॉज नोन एज ब्लैंगॉन्टिज्म सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मार्क में भी आ सकता है ये, यहाँ तक। और डच ने द डच फर्स्ट इम्पोर्ट, और अब दोबारा से ही मैं एक बार सिस्टम समझा देती हूँ। डच ने सबसे पहले रेंट इम्पोज किया लैंड पे जो कल्टिवेट होगी फॉरेस्ट में, फिर कुछ गांव के लोगों को एग्जेम कर दिया कि वो रेंट नहीं देंगे अगर वो फ्री लेबर प्रोवाइड करेंगे। आप देखिए, दोनों तरफ से मारे बेचारे लेबर की, और बफेलोस फॉर कटिंग और बफेलोस को प्रोवाइड करेंगे, दिस वॉज ओन, मतलब ये एक गिव एंड टेक है, एक तरीके से पैक्ट था ये फॉर, एंड दिस वॉज नोन एज ब्लैंड डॉन सिस्टम। और ये एक मतलब लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ये अपने डच की लैंग्वेज थी ये, बट दे आर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। समीन, अब यहाँ पे किसने चैलेंज एक्सेप्ट वो करी थी, अराउंड 1890 सुरेनेटो को समीन, ये रैंडल बिल्टिंग विलेज का रहने वाले थे, टीक फॉरेस्ट विलेज है ये, उन्होंने इनकी डच की ओनरशिप को क्वेश्चन किया। हाई आर्ग्यूड कि स्टेट जो है वो क्रिएट करने वाले वो नहीं है, ये नेचर है, और ये विंड वाटर अर्थ वुड सो ये ओन नहीं कर सकते, जब इन्होंने क्रिएट नहीं किया तो ओन भी नहीं कर सकते। और अमंग्स दोज हु हेल्प्ड ऑर्गेनाइज इट वर समीन के सन इन लॉज, सन्स इन लॉ। बाय 1937 3,000 फैमिलीज इस आइडिया को फॉलो करने लगी और प्रोटेस्ट किया। डच जो है ये सर्वे करने के लिए आए, वाइल्ड अदर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और फाइन, और लेबर फ्री लेबर देने के लिए कई लोगों ने वहाँ पे मना कर दिया। तो मतलब यहाँ पे जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो समीन ने किया था। जो ये देखिए, ये है जावा का, ये मैप है, ये डच ईस्ट इंडीज, ये देखिए, ये एरिया क्वालालंपुर और सुमात्रा जावा, ये आइलैंड्स थे ये उस समय, एंड दे वर नॉट दैट डेवलप जैसे ये आप इसको देख रहे हैं। अब इधर क्या होता है, वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। अब न्यू डेवलपमेंट क्या होती है, वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड
एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेजर इम्पैक्ट हुआ फॉरेस्ट पे। इंडिया में वर्किंग प्लान्स वर अबंडेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जैसे एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आराम से, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नीड को पूरा करना था। और फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दोनों वॉर में जो मेजर रोल था वो ब्रिटिशर्स का था, तो ब्रिटिशर्स की वॉर नीड को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट की किसकी काटी जा रही है, इंडिया की। तो इन जावा जापनीज ने ये रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये भी बड़ा है तो बहुत ही आपको वो लगेगा, पर इंटरेस्टिंग भी है ये। आप देखिए, इंटरेस्टिंग है लेकिन बड़ा थोड़ा सा एक सैड पिक्चर शो कर रहा है ये। इन जावा जस्ट बिफोर जापनीज ऑक्यूपाइड, जापनीज ने भी ये रीजन ऑक्यूपाई कर लिया, डच ने क्या किया, स्कॉच अर्थ पॉलिसी को फॉलो किया। इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट में आ सकता है ये। स्कॉच अर्थ पॉलिसी क्या थी? डिस्ट्रॉइंग सॉमिल, क्योंकि जैपनीज भी आ गए थे, जैपनीज के हाथ कोई लकड़ी ना लगे, कोई भी रिसोर्स ना लगे, उन्होंने क्या किया, डच ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी सॉमिल। ह्यूज पाइल ऑफ जाइंट टीक लॉग, आप इमेजिन करके देखिए, उसको आग लगा दी, राख कर दिया उसको, सो दैट कि जैपनीज के हाथों में ना जाए। जेलसी की इंतहा देखिए यूरोपियन पावर्स में। जैपनीज देन एक्सप्लॉयटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर ओन इंडस्ट्री, वॉर इंडस्ट्री, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आपको याद हो, एक्सेस पावर और एलाइड पावर अलग थे, तो जापान एलाइड पावर था, सॉरी एक्सेस पावर था, तो जापनीज के हाथों में ना आ जाए, जापनीज ने फिर एक्सप्लॉयट किया फॉरेस्ट को रेकलेसली अपनी वॉर इंडस्ट्री के लिए, फोर्स किया फॉरेस्ट विलेजर्स को, मतलब वो भी कोई ये नहीं कि जावा के लोगों के लिए फेवर में थे, नो, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे एक्चुअली में। मेनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट, और गांव के लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे थे कि फॉरेस्ट की कल्टीवेशन को एक्सपैंड किया जाए। आफ्टर द वॉर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विसेज कि वो इसको लैंड को वापस ले। एज इन इंडिया पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब आप देखिए इंडिया में भी आफ्टर द वॉर इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए लैंड वापस लेना मुश्किल हो गया, जैसा इंडिया में हुआ था कि वापस लैंड लेना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे लॉज जो हैं वो बना दिए गए थे कि गांव के लोगों को उनकी ज़मीनें वापस नहीं मिली थी आसानी से। न्यू डेवलपमेंट 1980s में गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे, इसके कारण मतलब इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो फॉरेस्ट कम्युनिटी को फॉरेस्ट से दूर रखना एक कंफ्लिक्ट का कारण बन गया था। ये इसका ये मतलब है इन लाइंस का, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल बन गया था कंजर्वेश करना उनको। एंड गवर्नमेंट रिकोगनाइज दैट इस गोल को मीट करने के लिए जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन, उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एंड डेंस फॉरेस्ट जो है मिजोरम, फ्रॉम मिजोरम टू केरला, डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव ओनली बिकॉज, क्योंकि गांव के लोगों ने प्रोटेक्ट किया है उसको। एंड ग्रोव्स जैसे सारनाथ, देवर कुडू का, ये सब साउथ की लैंग्वेज है ये, तो सम विलेजर्स हैड बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्न। सो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में गवर्नमेंट ने ये बताया, रूल बनाया कि ऊपर से कोई ऐसा उनके लिए रिस्ट्रिक्शन ना हो, रादर जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटी है उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फॉरेस्ट को मैनेज करना और फॉरेस्ट को मिस यूज करने से बचाना। ये देखिए लॉगयार्ड डच के रूल में जावा की ये क्लियर पिक्चर है, ये रियल पे फोटोग्राफ है। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है आपका, और आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये।